मंदसौर में महिला की नसबंदी, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट में छोड़ी कैंची, 10 साल बाद अहमदाबाद पहुंचकर निकलवाई। शामगढ़ अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट में ही कैंची छोड़ दी। लगातार रोगग्रस्त रहने और पेट दर्द की समस्या पर महिला ने डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 10 साल बाद समस्या बढ़ने पर एक अन्य डॉक्टर की सलाह पर करवाए एक्सरे, मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद अहमदाबाद जाकर दोबारा ऑपरेशन करवाकर कैंची निकलवाई। सीतामऊ के वार्ड क्रमांक 13 निवासी सीमापति नीलेश हरगोड़ ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में 4 दिसंबर 2014 को नसबंदी ऑपरेशन करवाया था, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश पाटीदार ने ऑपरेशन किया। डॉक्टरों की लापरवाही से ऑपरेशन में उपयोग आने वाली कैंची पेट के अंदर ही रह गई। इसके बाद 12 जनवरी 2015 को शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय शर्मा ने मेगा फिट का प्रमाण पत्र दे दिया। मरीज के अनुसार ऑपरेशन के दौरान मेरे पेट में कैंची रहने की वजह से दर्द और रोगग्रस्त होती रही। पीड़ा के दौरान डॉक्टरों की सलाह पर कई बार सोनोग्राफी भी करवाई, लेकिन इसमें कुछ भी सामने नहीं आया। और उसके बाद सीतामऊ सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर अर्जुन धाकड़ को इस दर्द के बारे में बताया। इनके सुझाव पर एक्सरे करवाया तो पेट में कैंची होना सामने आया। पीड़िता बोली, 10 साल तक शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ा। पीड़िता सीमा ने बताया, एक्सरे से मामले का खुलासा होने के बाद मुझे परिजन अहमदाबाद ले गए, जहां सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज आर मोदी ने ऑपरेशन कर कैंची निकाली। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अब निवास पर लौटी हूं। 10 साल तक शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ा, साथ ही उपचार के चलते आर्थिक रूप से भी परेशानी उठानी पड़ी। मामले में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर सहित CMHO व जनप्रतिनिधियों से संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पिछले दिनों जो है सीमा सीतामऊ की निवासी जो है हमारे अस्पताल में जो है पेट दर्द की शिकायत लेके आई थी काफी दिनों से, तो डॉक्टर साहब ने जो ड्यूटी पे थे उन्होंने उसको जो है एक्सरे की सलाह दी थी। उसमें एक्सरे में जो आर्टरी फोर्स से जो मुड़ी हुई कैंची जैसा लगता है वो पाया गया था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो है हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर किया था। अभी उनका जो है ट्रीटमेंट हो चुका है, हायर सेंटर पे रेफर करने के पश्चात उनका जो है ऑपरेशन हुआ है और अभी जो है जानकारी के मुताबिक जो है वो स्वस्थ है, ठीक है जो है। मेरा नाम डॉक्टर वी के सुरा, BMO सीतामऊ। मेरा नाम नीलेश हरगोड़, मैं सीतामऊ में वार्ड क्रमांक 13 में रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी पिछले 10 वर्षों से पीड़ित है। मैंने 4 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य केंद्र सामगढ़ में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन डॉक्टर राकेश पाटीदार और संजय शर्मा द्वारा किया गया है, उसका मेरे पास प्रमाण पत्र है और मैं 10 सालों से इलाज करा ही रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो सोनोग्राफी लिखते हैं, वो सोनोग्राफी करवाने के बाद वो पथरी का बता देते हैं, हम पथरी का इलाज देते हैं, लेकिन इस कंटिन्यूटी में दर्द चल ही रहा है। पेट दर्द थोड़ा ठीक होता है फिर वापस चालू हो जाता है, इस सब पीड़ा को कर ही रहा। फिर मैं एक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ गया और यहाँ पे डॉक्टर को बताया, अर्जुन धाकड़ को, तो उनने बोला कि पेट में कुछ चुभ रहा है, तो बात करी तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं अपन पेट का एक्सरे करके देखते हैं। तो फिर मैंने एक्सरे किया तो मेरे को पता चला कि इसमें कैंची है, तो फिर उन्होंने फिर हमको मंदसौर रेफर कर दिया गया और मंदसौर हमको डॉक्टर अर्जुन सिद्धार्थ जी ने टेकल किया। 2 दिन उन्होंने एडमिट रखा हमको और फिर उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ऑपरेशन के लिए आपको कोई हायर सेंटर पे जाना पड़ेगा। हमको काफी समस्या हो रही है, ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरे को बहुत समस्या, अभी भी पत्नी बिल्कुल आप देख ही रहे हो किस स्थिति में है। मैंने मामले की शिकायत CMHO साहब से, सबसे पहले CMHO साहब, कलेक्टर महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक महोदय, सभी को मैंने आवेदन बना के सभी को भेजा है और अभी तक वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे पास कुछ भी अभी नहीं आया रिप्लाई। हम ऐसे दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हैं और इनसे कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर और इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए।